लोकेशन टीकमगढ़, रिपोर्टर गोविंद दास पाल। ग्राम पंचायत आलमपुरा में शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था, खुले में बैठने को मजबूर हैं बच्चे। पलेरा, स्थानीय नगर से 8 किलोमीटर की दूर स्थित ग्राम पंचायत आलमपुरा में शासकीय माध्यमिक शाला आलमपुरा में कुल 111 छात्र है, जिसमें कुल टीचर्स की संख्या 4 है और वहाँ पर सिर्फ 2 ही मौजूद मिले। जब मीडिया वालों ने वहां कवरेज की तो पता चला कि यहां पर शासन की योजनाएं हैं, उनका किसी धरातल पर कोई जो लाभ है वह बच्चों को नहीं मिल रहा है, जिससे वह छात्र छात्राएं हैं वह काफी परेशान हैं। 2 टीचर मेडिकल छुट्टी पर ही, ऐसा बताया गया है। लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं वह पढ़ने के लिए उनको खुले में बैठने के लिए मजबूर हैं, जबकि जिम्मेवार है वह लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण नहीं किया है, इसी कारण अवस्थाएं देखने को मिल रही है, जिसमें कमरों में बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही वहां पर लाइट की व्यवस्था है, यहां पर पंखे की व्यवस्था भी नहीं की गई है। शासन कितना भी वादा क्यों ना कर ले, शासन कितना भी सीएम राइज की स्कूल क्यों ना बना ले, लेकिन गांव में हकीकत को बयां करती है कि शासन किस तरह से कार्य कर रहा है। इस पर मामला संज्ञान में आते ही आप प्रशासनिक अधिकारी इसका क्या कह रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। 200 छात्र 6 से 8वीं तक क्लास में है एवं कक्षा 1 से 5वीं तक कन्या पाठशाला में 200 लगभग बच्ची है। हाँ बताओ। लक्ष्मी। खाना मिलता है? कितनी रोटी मिलती? तीन रोटी। और सब्जी? सब्जी एक चम्मच। अच्छा, काय की मिले सब्जी? सब्जी दाल मिले, आलू मिले, कड़ी मिले। और मंगल को? अच्छा, के कहूँ की काय से क्या दे? बता, बनाते थे मंगलवार तो की पूड़ी ऐसे। कल क्या मिला था? कल दाल चावल, दाल रोटी। मंगल को? मंगल का खीर पूरी और सब्जी। अच्छा, खूब अपाए पेट मिलत के कम मिलत? अपा पेट। थाली को धो दे? अच्छा, ये खाना बना वही धो। चलो ठीक।